ये कसम से ना तुम सच्ची में तुम्हें लगता है कि वही नहीं आईडी कार्ड वाह वही वाह इसका खुशी में सेल्फी तो बनता है वन सेल्फी प्लीज मामू रहने दे डीजे मेरे नाल वाकई मजाक कर रहा है अरे मजाक नहीं कर रहे बेवकूफ बना गया है वो तुम्हें और तुम उससे 10 फुट दूर रहा करो ओ बात बताओ जलाल पप्पा के कमरे में आग लगाने का मशवरा तुम्हें दिया किसने था डीजे ने सत्यानाशो देखा तुमने अपने उस गेंडे भाई की हरकत गेंडा नहीं है ओ बेटा काम कर दस्ती बीजान के पास जा और उसकी शिकायत लगा नहीं तो तुझे जलील करा देगा पूरे खानदान में ये हम लेके जाएगा तुझे बीजान के पास आजकल वैसे भी बीजान के साथ हमारा ताल्लुकात बहुत अच्छा चल रहा है देख लिया माँ सदके जाए माँ वारी जाए फौजे कौन से सरकारी दौरे पे जा रही है माँ लंच करने जा रहे पुत्र एक सेकंड में कैंसिल कर दे क्यों माँ इसलिए पुत्र कि जो नई नवेली दुल्हन होती है ना वो वलीमे से पहले कार से बाहर कदम नहीं रखती सख्त बदशगुनी हो जाती है अम्मा मैं नहीं मानता ऐसी रस्मों को चपेट मार के तेरी बुद्धि से जा देनी है मैं नहीं मानता इन रस्मों को और तू जिया पुत्र मेरी सोनी चल अंदर मैंने खीर बनानी है फिर तेरा हाथ लगवाना है शाबाश बड्डा आया लंच पे लेके जाना आ जा मेरी दी अम्मा हां चल ऐसे नहीं कहते जिया क्यों ना कहूँ मैं क्यों ना कहूँ हर कोई तो इस घर में हंटर लेकर हाथ में घूम रहा है ये ना करो वो ना करो यहाँ ना जाओ वहां ना जाओ मतलब इससे ज्यादा तो हम शादी से पहले घूमते थे तब किसी को मसला नहीं होता था आई स्वेयर बिल्कुल ठीक कह रही हो अब्बा से बात करके देखो थोड़ी देर आप सुनते ही कौन है उनकी जब तुम आप कहती हो ना जिया सीधा यहाँ आकर लगता है तो ये लंच फर्ज हो गया मेरे टांगे तोड़ देनी है ताई जी ने आपकी भी और मेरी भी अगर नीचे गए ऐसे कैसे उठा कर ले जाऊंगा अपनी शहजादी को ले ही ना जाए कहीं डोंट वरी अम्मा को नीचे जाके कामों में लगाता हूँ तुम और नीचे नहीं अगर किसी ने देख लिया तो अरे देख लिया तो असल जमशेद अली तिवार बन के खड़ा हो जाएगा अपनी जिया के लिए आराम से कुछ सुने नहीं तेरी बात मुझे चाची ने की ना ना बंदा पूछे कि इंसान जो है किसी चंगी सवारी के ऊपर सफर कर लेता है यहाँ पे तेरा बेटा जो है वो बिल्लो बांधरी के ऊपर सुबह शाम नौट नछावर कर रहा है और तू वहाँ पे बसों में तके खाती फिर रही है ना कब पहुंचेगी